subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. लड़की जो साथ तेरे कोई नजर आती दोस्तों की सबसे पहले है जल जाती अपनी वाली तो इन्हें लगती है अच्छी पर तेरी वाली बंदी साला ज्यादा पसंद आती बर्थडे पे तेरे तुझे करके कंगाल फुल ऑन मचाते इस बात का बवाल लेते पूरे मजे तेरी मजबूरी के पर टाइम पे है लेते साले तुझको संभाल तुझको संभाल तुझको संभाल ओ वैसे तो होते हैं तेरे क्राइम पार्टनर करते हैं तुझे ब्लैकमेल भी मगर अरे कर देते पंगा मत जाता फिर दंगा कोई उंगली भी तुझे टच कर दे अगर अपनी ये जो यारी है हमको सबसे प्यारी है रख ले सबको रॉन्ग में इसको राइट पर रहने दे दोस्ती के साइड इफेक्ट्स दोस्ती के साइड इफेक्ट्स चल साइड में रहने दे ये दोस्ती के साइड इफेक्ट्स चल साइड में रहने दे बड़े बुजुर्ग सभी दोस्ती ये ज्यादा अच्छी होती नहीं सुन लो ये सच कड़वा है मगर दोस्तों के बिना लाइफ चलती नहीं इसमें लॉस दुनिया के लिए अपने लिए तो भाई प्रॉफिट है साथ न छोड़ेंगे यारों का हम गंदी वाली लग गई हैबिट है छोटी बातें सारी है सच्ची अपनी यारी है बस एक यही गलवा side effects chal side mein rehne de beta
क्यों लटक रहा है? दीदी मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था और बस वाला रुका ही नहीं, इसलिए मैं लटक गया। आप बोलो ना इसको रोकने को। तो मैं जानती चोरी, ये तो इसका रोज का नाटक है। ओ चाचा बाड़ा के मार दे ब्रेक। मैं ब्रेक क्यों लगाऊं? टूटने दे हाथ पैर, तब पता चलेगा। गाड़ी का ब्रेक तो छोरे के लिए मरवाया था, अब तुम दोनों का गियर कहाँ अटक गया? क्यों ताऊ, अब कैसे लग गई ब्रेक? दीदी थैंक यू। आ चल तुझे मैं स्कूल तक छोड़ देती हूँ। ये झांसी है ना, तो झांसी की रानी है जो इतना स्टाइल मार रही है। चल ले कैंटीन में, थोड़ा सीनियर जूनियर से भी परिचित हो जाते हैं। चल तो चल भाई, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। चल मिला लेते हैं कुंडली। चल चल आजा। चल चल चल। अरे बाड़ की दुकान है, तेल लगा कर आया के तेल। सर वो कृति कुमारी। क्या कुमारी? अरे कृति कुमारी यानी कि एलोवेरा, जिसे गौरपाठा के नाम से भी जाना जाता है, एक औषधि पौधे के रूप में विख्यात है और इसकी उत्पत्ति। देसी पीडिया की दुकान बंद हो जा, चुप कर, हाथ जोड़ू पैर पड़ता हूं मैं आपके प्रभु। सॉरी सर, सॉरी। हाँ जी तो देवी जी, खूबसूरत तो बहुत है आप, कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड तो होगा ही ना? नो डाउट। ओ तेरी भाई, ये तो बड़ी बेइंसाफी है। गलत बात। ब्यूटी वेस्ट हो रही तेरी। राम मिलाए जोड़ी, एक चंपू और एक गोरी। चल इसको प्रपोज कर। अरे वाह, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में बैठेगा भी ये, प्रपोज भी यही करेगा। अरे वाह क्या बात है, चलो स्टार्ट स्टार्ट। ओके। कोई हैंडसम लड़का नहीं है क्या? अब भैया हमारे पास तो यही है, ऐसे से काम चला लो। ओ भाई लोगो, ये झांसी की रानी से ही मिल लो, बिना तलवार की धार है इसमें। अबे किसे उठा के लेके चलाया तू बे? एक्सक्यूज मी, तू जानती भी ये कौन है? के मंगल ग्रह था आए हो, होगा तो इसी धरती का जना। भाई मैंने कैंटीन में
सीनियरों की मार के रखी है भाई, मार के रखी। अबे दे दे दे, बोलिए क्या? अरे यार, यही लोग हैं क्या? हाँ भाई, यही तो हैं वो लोग जिन्होंने मारा है। क्या सच में? तुम दोनों ने मरवा दिया यार, मतलब भाई, पहले अपने आप को 30 मार खा समझते हो क्या? पहले दिन में सीनियर से पंगे कौन लेता है? हाँ, मरवा दिया ना। अरे वाह, तेरी वहाँ भी फट रही थी, तेरी यहाँ भी फट रही है। टेलर रखता होगा साथ सिलवाने के लिए? क्या के ओए, हाँ। शक्ल से तो तू चंपू लगता है, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम गौरव, गौरव यादव। ओ गौरव यादव, मुजफ्फरनगर। हाँ। अबे फट्टू, मुझे नहीं पहचाना? अबे तेरी हर बॉल पे सिक्स मारता था, रणवीर ठाकुर। मैं भी ठीक हूँ यार। गौरव यादव। हाँ। रणवीर ठाकुर। तुम दोनों? तू कौन? अरे कमीनों, में सृष्टि चौधरी हूँ, सृष्टि। अरे सुनते सुनते बुड्ढा हो गया। जल्दी कर गौरव, जल्दी जल्दी चल शिशि, चल। बाय 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 बाय। साला फिर काट के मेरा। मेरी विश अधूरी ही सही, मगर उनको पूरा करती हूँ। अब देख फट्टू, डरियो मत। कोई नहीं यार, मैं अपने पापा से कह के इससे भी अच्छी साइकिल दिला दूंगा। सृष्टि, सृष्टि, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब तू ये मत बोल दियो कि तू अपनी त्रिपाठी है, प्लीज। हाँ, अब तो वो वही तो बोलूंगी ना। ओ गॉड, ओए मेरा बैटिंग का क्या हुआ? जब देखो तब फील्डिंग करा देते हो तू। और बैटिंग शक्ल देखी अपनी, पहले बैट पकड़ना सीख तो ले। अरे रणवीर,
सृष्टि अवनी, ये नहीं हो सकता। It's impossible. ये कैसे हो सकता है? अरे यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तेरे को आएगा भी नहीं। तुम लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा ना कि पापा के साथ क्या हादसा हुआ था, फर्जी मार्कशीट स्कैंडल। हमारा तो मानो सब बर्बाद हो गया था। दुनिया धोखा देकर भी सही बन गई और मेरे पापा ईमानदार होकर भी गुनहगार हो गए। पापा मेरे हीरो ही नहीं, बेस्ट बडी भी थे। मैं जब भी स्कूल से घर लौटती थी हमेशा उनको बरामदे में इत्मीनान से अखबार पढ़ते हुए देखती। लेकिन उस दिन मेरे बरामदे में लोगों की भीड़ जमा थी। एक अजीब सा सन्नाटा था, सबकी आंखें मुझ पर थी और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मामला तो मैडम जी एकदम साफ है पानी की तरह। आपके पति ने पुलिस और पब्लिक से बचने के लिए हो सुसाइड कर लिया, नहीं तो सच का सामना कैसे करते? सही कहा आपने सर, कि सच का सामना नहीं कर पाए। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। मर्डर? अब यो कौन सा नया ड्रामा है? ड्रामा तो तुम लोगों ने बढ़ा दिया है। इन्होंने ट्रस्टी साहब के बेटे को रंगे हाथ नकल करते हुए पकड़ा था ना, तो फिर पेपर लीक होने का इल्जाम इन पर क्यों लगाया गया? देखो क्या किया। अरे बहन, ऐसे लोग जिंदगी भर रिश्वत की कमाई खाते हैं। मने सब समझ में आ रहा है। तमने ने अपना रेपुटेशन बचाने के लिए ट्रस्टी साहब और तम सब लोगों ने इनको बुरी तरह फंसाया, इनको गलत साबित किया और फिर इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया क्योंकि वो बहुत ही गुद्दार आदमी थे। इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे नहीं ले पाई वो। यो मर्डर है, मर्डर किया है आप लोगों ने इनका, मर्डर किया है, मर्डर किया है। नहीं पढ़ सकती। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। लेकिन मैं उन चंद लड़कियों में से हूँ जिसने उस मटके का वजन उठाया भी और तोड़ा भी। उस दिन के बाद से मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं पापा से दूर और माँ के इतने करीब आ गई कि मम्मी ही मेरी हिम्मत बन गई। अब यो मोहल्ले वाले हमको चैनते जीने नहीं देंगे। रोज के ताने सुनने से बेहतर है हम यो शहर छोड़ के चले जाएं। लेकिन माँ, मेरे दोस्त छोड़ जाएंगे, मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी? दोस्त 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 के बगैर कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तेरे पापा नहीं रहे उसकी परवाह नहीं है। रोज माँ ताने सुनकर मर जाए तब चैन आएगा तुझे। एक लास्ट बार तो मिल लेने दो। मैंने कहा ना बहस मत कर, हम इसी वक्त गाजियाबाद जा रहे हैं, चल। लोगों की बुराइयों का सामना करने के लिए मेरी उम्र बहुत कम थी और मम्मी का हौसला, वो ये सब फेस नहीं कर पाई। यार पापा की मौत के बाद मम्मी मुझे मामा के घर ले गई। लेकिन तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोग तो साथ थे ना, फिर अलग कैसे हो गए?
अरे यार, तुम लोगों को तो पता ही है ना, मेरे डैड जो है वो गवर्नमेंट डिप्लॉय हैं। 3 से 4 साल में उनका ट्रांसफर होता रहता है। पहले कानपुर ट्रांसफर हुआ, उसके बाद इटावा, और फिर जब मेरे एडमिशन की बात आई तो फिर यहाँ आ गए गाजियाबाद। बस। और तू? कुछ फैमिली में इशू हो गए थे। सुनो भाइयों, इस बार चुनाव में पार्टी फंड के लिए जितने भी पैसे आए हैं, मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। This time, I won't tolerate any nonsense. सर, हमने जो इलेक्शन के लिए पोस्टर बोला था वो तैयार होकर आ गए हैं। मैं जानता था मेरे इर्द गिर्द बेवकूफ मंडरा रहे हैं। ये फोटो मिला तुम्हें पोस्टर में लगाने के लिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? इतने सालों से आप मुझे धोखा दे रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो? आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जी बैठिए। जी जी जी। क्या हुआ तुम्हें? हुआ क्या भाई, बताओ तो। सर, टीवी ऑन कीजिए। एक बार टीवी ऑन कीजिए। एमएलए धर्मवीर ठाकुर की शख्सियत का हुआ खुलासा, सामने आया उनका असली चेहरा। पॉलिटिकल करियर के लिए धर्मवीर ठाकुर ने बनाया मशहूर उद्योगपति अवध सिंह की बेटी रचना से संबंध, जिनसे उनको एक 12 वर्ष का बेटा भी है। सूत्रों के अनुसार एमएलए धर्मवीर ठाकुर और रचना का 12 वर्षीय बेटा मनदीप इस वक्त यूरोप के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। पिछले 15 सालों से किस तरह से धर्मवीर ठाकुर ने अपने संबंध को जनता से छुपाए रखा और अपनी छवि को साफ बनाए रखा। उसके बाद माँ मुझे और छोटे भाई को अपने साथ गाजियाबाद लेके आ गए। मैं तो वहीं थी, तुम लोग ही मुझे छोड़ के चले गए। छोड़ के कोई नहीं गया था। सेल्फी। ये पोज। पोज। जी लो यारो मस्ती में, छोड़ो यारो सब फिकर, 2 दिन की जो जिंदगी हो जा सारे बेफिकर। नचो सारे यार नशे में, मिलके मारो चुल, बहे हुस्न की गंगा यारो, पीके हो जाओ टुल। ए नचो सारे यार नशे में, मिलके मारो चुल, बहे हुस्न की गंगा यारो, पीके हो जाओ टुल। बेबी मूड बना लो, जम के कष्ट लगा लो, साली झंड है लाइफ तो जरा मुस्कुरा लो। बेबी मूड बना लो, बेबी मूड बना लो, मूड बना लो। कंधे गए झुक,
पढ़ के क्या बन जाना छोरी अब तो थोड़ा रुक। कालों की जो लाली तेरे फेर नहीं आने रे, अबाहों में भर ले बेबी कर थोड़ी मनमानी रे। दुनिया से गर डरती है तो मुंह पे ढट्टा मार ले, नैनों की कटारी तेज इनको जरा थाम ले। वार काले नैनों का ना दिल झेल पाएगा, डीजे की मस्ती में छोरी दिल यही गाएगा, दिल यही गाएगा। शाम नशे में है नशीला है समा, सारे दम खींच के लो जीने का मजा। ओ जीना यू उधार बेबी तेरी है ये लाइफ, फ्यूचर की यू ना सोच अभी से छोड़ो रॉन्ग राइट। बेबी मूड बना लो जम के कश तो लगा लो, साली झंड है लाइफ तो जरा मुस्कुरा लो। बेबी मूड बना लो, बेबी मूड बना लो, मूड बना लो। फिर ना बोलना ये प्यार व्यार धोखा ब्यूटी करते हम बिलीव ना, फन नाइट स्टे चाहे ज्यादा बड़ी लीव ना। बेबी मूड बना लो जम के कश तो लगा लो, साली झंड है लाइफ तो जरा मुस्कुरा लो। बेबी मूड बना लो, बेबी मूड बना लो, मूड बना लो। करता हूँ यार तो चल ना यार, चल चल। अच्छा आराम से, एकदम आराम से हाथ पर जल देख, आराम से आराम से। चलो बैठते हैं, बैठ जा। ए पैर, ये दूसरा फिर सॉफ्ट हो जाए। या बैठ बैठ बैठ, ऐसे बैठ जाता हूँ, नजरों में सब साफ नजर आता है। गुड 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 गुड, बैठिया वाला चेयर। यस, ओएमजी यार, किसी ने सोचा है क्या के लोएल करते 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 हमारी लाइफ के WTF लग गए यार। क्या पागल हो गई है क्या, क्या बकरी है यार। अरे तू भूल गई क्या, हम लोग यहाँ पे लाइव है, लाइव स्काइप पे नहीं है क्या, जो तू फोन वाले कोड में बात कर रही है यार अपनी। हाँ यार, मेरे मेरे कॉलेज के ना दो साल ये चंपू गौरव को ना दूर बनाने में पता नहीं कैसे चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। सीरियसली क्यों क्यों, ये जो दो साल है ना तुम्हारे, वो बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट हुए हैं, वरना बर्बाद हो जाते कि नहीं रणवीर। बर्बाद हो जाते। हाँ यार, मतलब देखते देखते फाइनल ईयर भी आ गया ना, अभी आगे का क्या प्लान है तुम्हारा, वैसे क्या करना है लाइफ में। अरे यार सृष्टि, ये सब बोल के हम सबकी मत उतारे यार। कोइंसिडेंटली ये कॉलेज में हम इतने सालों के बाद मिले यार, अब कॉलेज खत्म तो सब खत्म यार। I'll miss you यार, I'll miss you। ए बिचारो, पागल हो गए हो क्या यार, कॉलेज खत्म हो रहा है, दोस्ती थोड़ी, और मतलब कब तक ये कांड करते रहेंगे,
यार कुछ करना है लाइफ में, सोचो सोचो क्या करना है लाइफ में, सोचो 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 सोचो। थोड़ी जाने को बोला था, हट पागलो, हट। सोच लिया। मैंने सोच पहले लिया। मुझे तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं। यार क्या है ना, ये ईमानदारी जो मेरे बाप की है ना, वो यार मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, लेकिन मैं अपने बाप की नजरों में आज भी करोड़ों की कीमत रखता हूँ। वैल्यू है मेरी, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी मांगने जाता हूँ, 5,000 रुपए भी मांगने जाता हूँ ना, तो मुझे 5 लाफे दे देता है। क्या? हाँ, तू इसी लायक है। सच में मुझे तो यार बाय हुक और बाय क्रुक मुझे तो बनना है रिचेस्ट मैन। यस। क्यों रणवीर? अरे गौरव, ये जो बाप लोग होते ना भाई, ये सब साले एक जैसे होते हैं यार। क्या हुआ? अपने बच्चों के फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते यार, बहुत सेल्फिश होते हैं। और मेरा बाप तो साला सबका बाप है यार। क्यों? उसे घंटा फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ यार। क्या बात कर रहे हैं यार? उससे भी बड़ा नेता बन के दिखाऊंगा मैं, और वो भी अपने दम पे। मुझे तो तेरी चिंता होती है, तू क्या करेगी? बोला। मेरी टेंशन मत ले, मैं एकदम सेट हूँ। कैसे सेट? स्विस बैंक में जिसका अकाउंट होगा ना, मैं उसी से शादी करूँगी। तो मेरी लाइफ सेट, सही जा रही है। और सृष्टि तू? हाँ। मैं? हाँ। यार मुझे ना मेरी रिस्पेक्ट वापस चाहिए इस समाज से, जो मेरे बाप के मरने के बाद मैंने और मेरी माँ ने खो दी। मुझे ना IPS ऑफिसर बनना है, और उसके बाद इस करप्ट सोसाइटी की ना बैंड बजा देनी है। यार मतलब हम सभी को इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए यार। yes. फर्ज बनता है यार, अपना फर्ज बनता है। एकदम करेक्ट सृष्टि, मैं तेरे साथ बराबर। यार देश के लिए रोल मॉडल बनना कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट। क्या 26 जनवरी 15 अगस्त क्या लड़कियों के लिए होता है क्या? अगर हम लोगों को भी मौका मिलेगा ना, तो देश के लिए हम भी करेंगे कुछ। क्यों रणवीर, सही बोला ना? अरे यार कॉलेज वाले भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे किसी लड़की के साथ कैंटीन में बैठो, बोलते देखो गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हैं। किसी लड़की के साथ सेल्फी ले लो, उसे ये लोग गर्लफ्रेंड बना देते हैं। दोस्त होता है, गर्लफ्रेंड होती है। Exactly. समझते क्यों नहीं यार? दोस्त होती है, गर्लफ्रेंड होती है। क्या ना यार, क्या हुआ? सेल्फी क्यों? और तेरे मोबाइल में? क्यों नहीं हो सकती? अबे रणवीर, I love her यार, I really love her। मेरी जान, लव तो हम भी इससे बहुत करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये हमसे ही लव करती है। अच्छा? हाँ। हमसे ही लव करती है। देख मेरी बात ध्यान से सुन, दो लड़कियों के पीछे कभी नहीं भागने का। पहली ये सेल्फी क्वीन, जो तुझसे तो कभी पट नहीं सकती है ना, और दूसरी यही सेल्फी क्वीन, जो मुझसे नहीं पटी वो तुझसे क्या पटेगी। बेटा ऐसी कोई लड़की बनी नहीं जो रणवीर ठाकुर से ना पटे। अच्छा? चल देखते हैं कि किस किंग की क्वीन बनेगी। ओके, चलो लेट्स सी। हाँ, चलो। क्या है ना, पुराना मॉडल है, थोड़ा टाइम लेता है चालू होने में। गाड़ी स्टार्ट कर, मैं तो ऐसे ही चला। सेल्फी क्वीन के पास, और अब देखते हैं कि सेल्फी क्वीन का किंग कौन बनता है।
थाना के सेक्रेटरी के लिए खड़ा हुआ था लास्ट टाइम लेकिन ये हाय हाय यू ओके या आई एम ओके योर वेट इज 48 या And your luck would be 28, I guess. Yes, तुम्हें कैसे पता? बचपन से. क्या मैं आपका फोन नंबर जान सकता हूँ, प्लीज? You? अरे अरे सर 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 समझ गए. अरे actually हराम से. तो तुम मुझे फोन करके परेशान करने वाले हो? अरे नहीं 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 मैं एक्चुअली आपका फोन नंबर नहीं मांग रहा हूँ वो एक्चुअली मैं आपका चश्मे का नंबर मांग रहा था सॉरी गौरव इतनी खूबसूरत लड़की से ऐसे बात नहीं करते तो फिर देखो ये कितनी हॉट है एब्सोल्युटली और फिट है नो डाउट इनकी फिगर में नंबर छुपे हुए हैं थैंक यू देख क्या कर रहे हैं ये आदत से मजबूर अरे तुम्हारी ये रासलीला खत्म हो गई हो गौरव रणवीर तो कुछ काम की बात कर ले लगता है तुम दोनों की गर्लफ्रेंड्स आ गई है नहीं नहीं Bye. अरे गर्लफ्रेंड नहीं है अरे कम अरे मेरी तो नहीं है अरे यार क्या है रणवीर कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन के फॉर्म निकले हैं तुझे भरना चाहिए क्या क्या हाँ ये तेरा पहला कदम होगा तेरे बाप के खिलाफ व्हाई नॉट दोस्त चल ना कैंटीन चलते हैं चल ए गौरव हाँ चल ना आना हाँ हाँ आता हूँ यू गाइस कैरी ऑन टू मिनट्स हाँ आजा आजा जल्दी दोस्ती लगा रखी तुम लोगों ने हाँ दोस्ती के नाम पे ब्लैकमेल मत करो मुझे तुम लोग राइट अरे दोस्त मानते हो ना हाँ आई एम योर फ्रेंड फिर अरे तो पार्शियल क्यों हो रहे हो वन साइडेड क्यों हो रहे हो नहीं बोलो व्हाई व्हाट द रीजन देखो यार रणवीर ये इलेक्शन लड़ रहा है अपने डैड के लिए राइट रणवीर है ना और मैं अरे मैं लड़ रहा हूँ अपने पैशन के लिए और ये पैशन बचपन से मेरे अंदर तू इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है गौरव यार देख जरूरी नहीं है कि तेरी हर जरूरत पूरी हो कभी कभी अपनों के लिए चीजें छोड़नी पड़ती है एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट और क्या तो प्रॉब्लम क्या है नहीं बोलो ना प्रॉब्लम क्या है मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं मैं ही क्यों बैकआउट करूं हाँ नहीं बताओ ना मैं ही क्यों बैकआउट रिलैक्स फ्रेंड्स गौरव जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है जब मैं अपने बाप के खिलाफ लड़ सकता हूँ तो अपने दोस्त के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकता माना कि हम दोनों का नजरिया अलग है लेकिन मंजिल तो एक है ना अब इस लड़ाई में और मजा आने वाला है क्योंकि लड़ाई इलेक्शन के जीत और हार की नहीं दोस्ती के हार की है
खुद को भाप ले, बना तकदीर तू मोर्चा मार ले, इरादे साड़ ले, तू खुद को भाप ले, बना तकदीर तू मोर्चा मार ले, उफन जरा रोब में यू डर की जान ले, बंद मुट्ठी में तू जीत को थाम ले, नस नस में तेरी खोले जोश, नस नस में तेरी खोले जोश, तू आज मचा दे हल्ला, तू फटे फड़ दे जीत ले रे जहां, तू फटे फड़ दे जीत ले रे जहां, तू फटे फड़ दे जीत ले रे जहां, उठा तूफान यूं तो बन एक सलसला, दौर जो है अभी बदल दे तू समा, जुनू कर जोश है जरा जो होश है, तबा ले खुद को तू जला कुंदन बना, सब मिलके संग बोले रे बोल, हाँ सब मिलके संग बोले रे बोल, चल थाम वक्त का बल्ला, जीत ले रे जहां, तू बट्टे बोल दे जीत ले रे जहां, तू बट्टे बोल दे जीत ले रे जहां। I don't care दोस्तों के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जहां पे भी आज की डेट में मैं लिखा है ना, मैं उसको हम कर देना चाहता हूं, बिकॉज वी आर वन। दोस्तों अपनी आंखें खोलना सीखो, दिन बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, मगर हम नहीं बदल रहे। जितना बदलना था बदल लिए, अब जिसको भी शिकायत है, जिसको भी बदलना है ना, वो अपना रास्ता बदले। के लिए जितने भी फंड इकट्ठा होते हैं ना, स्टूडेंट को कितना मिलता है? अरे 1/4। अरे भैया दुनिया गोल है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हर चीज में झोल है। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर कुछ पॉजिटिव है तो वो है ब्लड ग्रुप। मेरे पास है बी पॉजिटिव। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस थाली में खाना खाते हैं उसमें ही छेद करते हैं। क्या आप उस छेद वाली थाली में खाना खाना पसंद करोगे? आकाश को उथल सागर घना, भीड़ से दुनिया की निकल आहो खड़ा। यही जो वक्त है जरा सा सख्त है, बना खुद रास्ते बड़ा मंजिल पे जा, नहीं जीत का कोई है मोल, नहीं जीत का कोई है मोल, चल मार जीत का डंका, तू फट्टे पड़ दे जीत ले रे जहां, तू फट्टे पड़ दे जीत ले रे जहां, तू फट्टे पड़ दे जीत ले रे जहां। रणवीर हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, रणवीर हारेगा। अपनी इलेक्शन कोई भी जीते, दोस्ती नहीं हारनी चाहिए। जाग जाइए, यह हमारा सौभाग्य है कि आज के हमारे स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को सम्मानित करने के लिए स्वयं हमारे एमएलए धर्मवीर ठाकुर जी आ रहे हैं।
तालियों से स्वागत कीजिए धर्मवीर ठाकुर जी का। धर्मवीर ठाकुर जी न केवल हमारे क्षेत्र के एमएलए हैं, बल्कि हमारे कॉलेज के ट्रस्टी भी हैं। उन्हीं के योगदान से आज हमारा कॉलेज इतनी बुलंदियों को छू रहा है। धर्मवीर ठाकुर जी, आपका स्वागत है मंच पर। आप लोग बड़ी बेसब्री से इलेक्शंस के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, वोटों की काउंटिंग हो चुकी है और इस बार स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टॉप टू पोजीशंस के लिए बड़ी कांटे की टक्कर रही है। रणवीर ठाकुर और गौरव यादव के बीच में सिर्फ 5 वोटों का अंतर है। 1125 वोट मिले हैं रणवीर ठाकुर को। रुक जाइए, इलेक्शन के रिजल्ट्स अभी बाकी हैं। गौरव यादव को मिले हैं 1130 वोट। इस साल के कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं गौरव यादव। कांग्रेचुलेशंस गौरव यादव। जी स्वयं अपने हाथों से आपको सम्मानित करेंगे। आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। मैं इलेक्शन हारा हूं, दोस्ती नहीं। और तू कैसे भूल सकता है यार, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। हाँ, तेरी जीत की खुशी में क्या हम लोग गले नहीं मिल सकते? ए भट्टू, गले नहीं मिलेगा। अरे हो गौरव यादव, रणवीर ठाकुर, मैं सृष्टि चौधरी, क्यों भूल जाते हैं हम? ओए, मैं अपनी, ए तुम हमेशा मुझे भूल जाते हो, कितनी गलत बात है। ओए, तुझे कौन भूला? हाँ, अरे यार सब छोड़ो, ये जीत गया है, लेट्स सेलिब्रेट यार। एक मिनट, सेलिब्रेट तो पार्टी मेरी तरफ से। Thank you.
कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है गौरव यादव। आगे नहीं जा सकते, थोड़ा पीछे प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाइए आप सब। रिलैक्स सबने, रिलैक्स। आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म भर दे। क्यों बोल रही है? तुझे नहीं पता अवनी, तेरा मुंह परली तरफ था। मैंने अपनी आंखों से देखा इसको गौरव की तरफ गोली दागते हुए। बोलता क्यों नहीं तू अब? ऑपरेशन थिएटर किधर है? वहाँ पे। तूने क्यों किया ऐसा? बता ना रणवीर, बोल। बारा, अबे बारा, बड़ा उबाल मार रहा है तेरा खून है? हथकड़ी पहना रहा है इसको? खातिरदारी करनी है इसकी फुर्सत से। सर जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या इसकी आरती उतारूं मैडम जी? गोली चलाई है इसने। हाँ सर, इसी ने मारी है गौरव को गोली। लेके जाइए इसको। ले चल रहे इसे। सर, सर रणवीर ने कुछ नहीं किया है। सर रुकिए। सर क्यों ले जा रहे हैं उसे? आप रुकिए। सर रणवीर ने कुछ नहीं किया है। आपने मेरी बात सुन, अपनी पहले मेरी बात सुन, अपनी भागने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुन, अपनी मेरी बात सुन। सृष्टि, हैव यू गॉन मैड? अरे उन लड़कों ने हम पर हमला किया था, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तूने क्या किया यार? वो हमारा एक दोस्त तो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है और दूसरे को तूने अंदर करवा दिया। अपनी मेरी बात सुन ध्यान से पहले तू। मैंने अपनी आंखों से देखा है रणवीर को गौरव पे गोली दागते हुए। मुझे ये नहीं पता उसने गोली क्यों चलाई।
लेकिन मैंने उसको देखा है, गोली उसी ने चलाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तू ये सब कुछ क्यों बोल रही है। यार गौरव और रणवीर दोनों दोस्त है, दुश्मन नहीं है। देख गलती तेरी नहीं है, अभी तेरे भेजे में कुछ नहीं बैठने वाला। तेरे से बात करना फालतू है, फाड़ में जा। छोड़ेंगे ना साथ तेरा, रहेंगे तेरे संग, चाहे फिर इस बात पे हो जाए अपनी जंग। यार हमारा है तू, यारों का सहारा है तू, ऐसे हार के ना हम जाएंगे, तुझे रब से भी छीन के लाएंगे। यारी के उसूल सारे तोड़ के जाएगा कैसे तू साले छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा है। यारी के उसूल सारे तोड़ के साले छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा है। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? थैंक गॉड, आप लोग सही टाइम पर ले आए। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अभी भी 72 आवर्स क्रिटिकल हैं। गॉड से प्रे कीजिए सब ठीक होगा। हर जगह अपना कैंपेनिंग शुरू हो गया। अच्छा, साउथ में? सर साउथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा? भाई है? भाई भाई क्या? हेलो क्या? चल भाई आ जा, जमानत हो गई तेरी। अरे तू क्या देख रहा है बे? तेरी नहीं उसकी। अभी आ रहे? आपके होते हुए मुझे सारी रात इस गंदी बदबूदार जगह में बितानी पड़ी। I mean, this is not fair, Dad. आवाज नीचे, आवाज नीचे। इस देश में कानून नाम की कोई चीज है मनवीर, उसकी कदर करना सीखो। अपनी नहीं तो कम से कम अपने अपने बाप के इमेज के बारे में। लिसन, मैं कोई घूमने नहीं गया था समझे? मैं आपके लिए और मॉम के लिए केक लाने गया था आपके एनिवर्सरी के लिए। वापस आते समय एक माइनर एक्सीडेंट हो गया, व्हाट्स अ बिग डील? Anyways, thank God. Actually, you should thank God, Dad. It was a minor accident. I hope my car is fine. This is it. This is it. Dad. ये जो ego और arrogance पाल रहे हो ना तुम अपने अंदर, this will be a major deterrent in your life one day. तुम्हें कहीं का नहीं रखेगा. कमाल, ईगो एंड आर्गेंस। रणवीर, क्यों किया बेटा तूने ऐसा? तूने गौरव को सच में गोली मार दी। मेरे वकीलों से बात हुई है, उनका कहना है तुझे जमानत भी नहीं मिल सकती।
थी, इसीलिए मैंने तेरे पापा का घर छोड़ा था ताकि मैं तुझे उनके राजनीति से दूर रख सकूं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो रणवीर? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, वहां पे गौरव जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और यहाँ सृष्टि वो तुम पे इल्जाम लगा रही है, फिर भी तुम चुप हो। हाँ माँ, हाँ। मैंने ही गोली चलाई गौरव पे, मैंने ही गोली चलाई गौरव पे, हाँ चलाई है मैंने गोली, वो दोस्त नहीं दुश्मन है, वो जानता है कि मेरा एक ही मकसद है, धर्मवीर ठाकुर की बर्बादी। माँ, जितना दुख उसने तुझे दिया है ना, उसका हिसाब तो उसे मुझे देना ही होगा। गौरव जानता है कॉलेज का इलेक्शन जीतना मेरे लिए कितना जरूरी था, मेरे पॉलिटिकल कैरियर का एक स्टेप था वो। इसका मतलब गौरव से बदला लेने के लिए तुम मौके का इंतजार कर रहे थे, वो ट्रीट, वो पब में जाना, ये सब कुछ नाटक था। सृष्टि सच बोल रही थी, लेकिन मैं थी ना पागल, पागल थी मैं जो उस पर यकीन नहीं किया। रणवीर, तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म। आंटी जी, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। रणवीर, तू भी अपने बाप जैसा ही निकला। उन्होंने राजनीति के लिए रिश्ते तोड़ दिए और तूने दोस्ती में ही राजनीति कर ली। क्यों बेटा? मान के चल, हो गई कुछ गलतियाँ, पर ऐसे कोई जाता है क्या जैसे तू रूठ के चल दिया। बाकी है कितनी लड़ाइयाँ अभी तो अपने बीच में, माफ कर देना इस दफा, देना अगली बार दो खींच के। तेरी दोस्ती की खातिर तो हम तेरे हाथों मार भी खाएंगे। यारी के उसूल सारे तोड़ के जाएगा कैसे तू साले छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा है। यारी के उसूल सारे तोड़ के जाएगा कैसे तू साले छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा की। तेरी बातों पे हम बजा लेंगे तालियां, गुस्से में देगा कभी तो सुन लेंगे सौ गालियां। तेरी बचकानी हरकतें भी मुस्कुरा के सह जाएंगे, पर करेगा बात जाने की तो हक से तुझ पे चिल्लाएंगे। प्यार से तू माना नहीं तो जिद पे फिर हम भी आएंगे। यारी के उसूल सारे तोड़ के जाएगा कैसे तू साले छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा है। यारी के उसूल सारे तोड़ के जाएगा कैसे तू साले छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा है।
क्योंकि बोल रणवीर बोलना, इतनी छोटी सी पोस्ट के लिए तू इतना गिर सकता है रणवीर? बोल, इतनी छोटी सी पोस्ट? गौरव तू मुझे बचपन से जानता है, ये मेरा सपना था, फिर भी धोखा मैंने नहीं, धोखा तूने दिया है मुझे, तूने। You know what, रणवीर, तूने मुझे यहाँ जख्म दिया है, पता है? इसका दर्द अभी भी है, पर ये दर्द आज या कल कभी भी भर जाएगा। पर जो दर्द तूने मुझे यहाँ दिया है ना, दिल पर, वो कभी नहीं भरेगा दोस्त, कभी नहीं। संत बनने की कोशिश मत कर, तेरे जैसे दोगले लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे तूने ही तो कहा था ना, तूने ही कहा था कि ये बात जीत की नहीं है, दोस्ती की हार की है। तो देख, आज एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को हरा दिया, जीत गया तू और हार गया गौरव। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू नो व्हाट रणवीर, इसी को कहते हैं दोस्ती के साइड इफेक्ट्स। गॉड ब्लेस यू। आकाश को उथल सागर घना, भीड़ से दुनिया की निकल आहो खड़ा। यही जो वक्त है, जरा सा सख्त है, बना खुद रास्ते, बड़ा मंजिल पे जा, नहीं जीत का कोई है मोल, नहीं जीत का कोई है मोल, चल मार जीत का डंका। तू फट्टे फड़ दे जीत ले रे जहां, तू फट्टे फड़ दे जीत ले रे जहां, तू फट्टे फड़ दे जीत ले रे जहां। जनाब ये है बेल के पेपर्स। यादव उसको बाहर ले गया। लो जी वकील साहब, आगे आपका बंदा। बहुत ऊंचा तीर मारा है तूने, उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से बेल मिलेगी। क्यों वकील साहब? अबे घूर क्या रहा है, हैं? आंख नीचे कर। अबे आंखें नीचे कर। अरे जनाब रुकिए, ठहरिए, चलें। ठीक है जनाब, मिलते हैं फिर। मेरी बेल किसने करवाई? तुम्हारी बेल वो उस कार में है जिन्होंने तुम्हारी बेल करवाई। जाओ मिल लो। आज अचानक से इतने सालों के बाद आपको मेरी याद कैसे आ गई? मजबूरी, मजबूरी।
इससे पहले कि मीडिया इस बात को उछालती, मुझे कुछ करना चाहिए था, सो मैंने कर लिया। क्या है ना, इंसान के जर्नी में उसका जो अतीत होता है ना, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो बाप नहीं, ये पॉलिटिशियन बोल रहा है। कम से कम ये पॉलिटिशियन जो है, ये तुम्हारे उन दोस्तों से तो अच्छा है जिनकी वजह से आज तुम्हारी स्थिति है। क्या क्या नाम है तुम्हारे उस दोस्त का? गौरव। गौरव, मेरे एक ही इशारे पे वो मेरी पार्टी में आ गए। बचपन से तुमसे कहता रहा मैं कि अगर दोस्ती करनी है तो बराबरी के लोगों से करो, वरना उसके साइड इफेक्ट्स भुगतने पड़ते हैं। आज आप अचानक आके मेरा बेल करवाते हो, आपको क्या लगता है, आपको बाप होने का अधिकार मिल गया? ज़बान संभाल के बात। धर्मवीर ठाकुर, अब मैं बच्चा नहीं हूं। अगर मुझे पहले मालूम होता कि वो लॉकअप में वो जो लड़का है वो आपका बेटा है, तो मैं उसको वहीं मार देता। ए, गाड़ी रोक। घबरा गई? घबराने की कोई बात नहीं। 2 crore flat just for you, my love. Are you serious? Of course. Serious about you, always. Take it. Come on. और भी कुछ है? ब्रांड न्यू कार, टेक इट माय लव। Thank you.
मैडम, आपके लिए फोन। इस कमीने के खानदान से हो तो काट दे। ना मैडम, यो तो एमएलए धर्मवीर जी का है। हेलो। कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर श्रीश्री चौधरी। पहचान तो लिया होगा मुझे। हाँ अंकल जी, ओ मेरा मतलब एमएलए जी। अरे जनता के कीमती मत से चुन कर लाए गए हो आप। पहचानेंगे कैसे नहीं? एक काम करते हैं, आज रात को डिनर साथ में करते हैं। इसे इसे प्रोफेशनल इनविटेशन मत समझना। इट्स समथिंग पर्सनल फ्रॉम माय साइड। अरे आगे चलकर हम दोनों को साथ मिलकर बहुत सारे काम करने हैं। इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। वो क्या है ना एमएलए जी, आजकल मैंने भूख ना लगती, वेजिटेरियन खाया नहीं जाता और नॉन वेजिटेरियन हजम नहीं होता, तो आजकल मैं लिक्विड डाइट पर हूं। एक काम करते हैं, पहले खाना हजम होने देते, फिर कभी मिलेंगे। सीताराम सिद्ध की नाम है इनका। राष्ट्रीय संरक्षक दल, जिला गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं ये। तो ये बताने तुम मेरे घर आए हो? देख भाई, ऐसा है, मैं यहाँ हाथ मिला के आगे बढ़ने आया हूँ। तुझे बेस की जरूरत है और मुझे तेरी।
मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले। अगले आने वाले असेंबली के चुनाव में मैं तुझे धर्मवीर ठाकुर के खिलाफ अपनी पार्टी से इलेक्शन में खड़ा करूंगा। क्या बोलता है, तुझे लगता है कि मैं तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा? मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है तू? सीताराम सिद्धे की जीत का पहला नाम है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हनुमान जी की मर्जी से जीसस क्राइस्ट जीत दिलाएंगे। बोल, वह गुरु महाराज की जय। तो उठाना फायदा। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तू मेरा इस्तेमाल कर या मैं तेरा इस्तेमाल करूं, मैं तेरी पार्टी ज्वाइन करूं या और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करो, मकसद तो सिर्फ मेरा पूरा होने वाला है, धर्मवीर ठाकुर की बर्बादी। अरे अवनी, तूने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। अरे बैठ 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 अवनी, तू रोई है? क्या हुआ? ये झूला देख रही है? ये सिर्फ हमारा वजन ढोने या दिल बहलाने के लिए नहीं है। इसका एक झोंका हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है और रस्सी टूटते ही हमें हमारी औकात दिखा देता है। देख तू क्या कह रही है, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। बताएगी क्या हुआ? हाँ तो शुरू से शुरू करें या जहां से तुम कंफर्टेबल हो। सृष्टि, तू तो जानती है ना कि मैंने लाइफ को हमेशा इजी वे में और शॉर्टकट वे में ही सोचा है। मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैं किसी अमीर इंसान से शादी करके सेट हो जाऊंगी। ये मेहनत वहनत ये सब मेरे बस की बात नहीं है। बट लाइफ इज नॉट ईजी यार। हम कितना भी गुनाह भाग कर ले, लेकिन लाइफ के मैथमेटिक्स के आगे हमारे सारे कैलकुलेशंस फेल हैं। पर जब मैं तुझे पिछली बार मिली थी तब तो सब टिप टॉप चल रहा था और 2 BHK का फ्लैट गिफ्ट में मिला था तुझे। तू तो लिव इन में रह रही थी ना, फिर क्या हुआ? वो अचानक आई गॉट प्रेग्नेंट। क्या फिर? बट आई वॉज हैप्पी। लेकिन जब ये बात मैंने मनवीर से शेयर की तो उसने मेरा अबॉर्शन करवा दिया यार। सृष्टि, ही यूज्ड मी। अवनी, लोग कितना गिर सकते हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकती। गिर तो मैं खुद की नजरों में गई हूँ सृष्टि। इस मनवीर के चक्कर में मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। अब मैं किस मुंह से उनके पास जाती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं तेरे पास चली आई। ये तूने सबसे अच्छा किया यार। और अब इस मनवीर को ना मैं अपनी भाषा में समझाऊंगी। सबसे पहले तो हम FIR करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे यार। अपनी बेवकूफियों की वजह से मैंने बहुत गलतियां की है। अभी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। मैं बस एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तू मेरी हेल्प करेगी ना? अरे यार, दोस्त के लिए जान भी हाजिर है और तू हेल्प की बात कर रही है। बोल क्या चाहिए। अच्छा आंटी, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल है ना? हाँ। तो उनके अंडर तो बहुत सारी चीजें होती होगी। हाँ। अब मैं इतनी तो क्वालिफाइड हूँ कि एडमिन में मैं कोई भी जॉब कर सकती हूँ। यार मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। ये हुई ना बात, चल खड़ी हो जा। अरे अपने पैरों पे खड़ी हो जा। देख, डिप्रेशन दूर करने का एक ही फंडा है कि ये सोच लिया जाए कि दुनिया भाड़ में जाए।
मैं मम्मी से आते ही बात करती हूँ, और तू ये टेंशन वेंशन लेना बंद कर, चल फ्रेश हो जा। थैंक यू। अरे इट्स ओके। इंसान को ना वजन उतना ही उठाना चाहिए जितना उसके कंधों में ताकत हो, वरना सपोर्ट तो कोई भी दे सकता है यार, लेकिन सपोर्ट कौन दे रहा है वो भी मैटर करता है। क्यों? देख गौरव, मैं जो भी करता हूँ ना सबके सामने करता हूँ, तेरे जैसे पीठ पीछे नहीं। यार यही तो प्रॉब्लम है, तू समझता क्यों नहीं है? ये लोग ना तुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं जिससे तू अपने डैड के अगेंस्ट खड़ा हो सके। यार प्लीज समझ। मैनिपुलेट? गौरव ये तू बोल रहा है? रास्ता तूने बतला, मैंने नहीं। मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं जहां मैं पहले खड़ा था। वैसे एक बात बता, ये एडवाइस मेरा दोस्त गौरव दे रहा है या मेरे बाप का चमचा? यार यही तो प्रॉब्लम है तेरी, हमेशा से ना पहले कुछ समझा है ना आज कुछ समझना चाहता है, ना कुछ सुनता है ना कुछ मानता है। पता है क्यों? क्योंकि तू ना खुद के सामने किसी को कुछ नहीं समझता मेरे दोस्त, राइट? दोस्ती तो तुझे समझ में नहीं आती, और दोस्ती के साइड इफेक्ट्स तो अच्छे से समझता है। देख रणवीर मेरी बात समझ तू, मैं जो समझाने की कोशिश, व्हाटएवर। माँ सोई ना अब तक? के ढूंढ रही है इन पेपरा में? माँ श्रिटी यो देख, सवेरे सवेरे यो न्यूज पढ़ी मैंने अखबार में, गाजियाबाद में डॉक्टर खुशी ठाकुर का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसमें टेंशन लेने वाली की बात है? यो तो खुशी की बात है ना? ना बेटा, यो तो टेंशन की ही बात है। यो लड़की खुशी ठाकुर मारे कॉलेज की स्टूडेंट है, यो पास ना हुई थी, फेल हुई थी, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस तो दूर, इसके पास तो डिग्री भी ना है। तो इसके नाम के आगे यो डॉक्टर क्यों लिखा है? यो ही बात तो सोचकर मैं सवेरे से परेशान हूँ, बिना डिग्री के यो डॉक्टर भी बन गई, इसने अस्पताल भी खोल ली। यो लिस्ट देख, पिछले साल के स्टूडेंट का डेटा। यो चेक करते करते मैं हैरान हो गई हूँ। तुझे नहीं पता हमारे कॉलेज में कई सालों से फेक मार्कशीट का फ्रॉड चल रहा है। अब ऐसे ऐसे लोग समाज में जाकर डॉक्टर बनेंगे जो डॉक्टर के पोस्ट को डिजर्व ही ना करे। मतलब आज के टाइम में मेडिकल में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है, इस मायने ते एक एक मार्कशीट की डील तो करोड़ों में होती होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। यो देखना पिछले साल की लिस्ट में 30 केसेस ऐसे हैं। तो टेंशन क्या लेनी, धर लेते हैं ना इनको। ना बेटा यो इतना आसान ना है जो तू सोच रही है, ये पता नहीं ऊपर ते नीचे कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें, और यो कुछ डिटेल्स के अलावा हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो ना है। पता चला मैंने आवाज उठाई और मारे ऊपर ही आरोप लगा दिया, आफ्टर ऑल कॉलेज की प्रिंसिपल तो मैं ही हूं ना। यो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ दे दी इस जॉब को, इब रिटायरमेंट के वक्त आकर तेरे पापा के साथ। उफ माँ मेरी बात सुन, तू टेंशन मत ले, मतलब अपनी बेटी के पुलिस वाली होने का भी तो फायदा उठाओगी या ना उठाओगी कभी? टेंशन मत ले, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे, तू जा।
जाके सो जा। गौरव डोर खोलो ना। हाँ श्योर। यार मॉम के कॉलेज में एक फेक मार्कशीट का रैकेट चल रहा है, तो मुझे पता चला कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस रैकेट के पीछे जिसका हाथ है वो मनवीर ठाकुर है। मनवीर? पर सृष्टि तुम ये इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो? अरे क्या श्योर, पूरे सबूत धरे हैं मेरे पास इस पेन ड्राइव में। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सृष्टि, तू खुद पुलिस ऑफिसर है और तेरे पास पूरे एविडेंस भी है, जाके अरेस्ट कर उसे। अरे इतना आसान होता तो मैं तुम लोगों को यहाँ अपने पास क्यों बुलाती? सबूतों को तो किसी भी तरीके से मोड़ा तोड़ा जा सकता है, लेकिन कन्फेशन को नहीं। मुझे किसी भी तरीके से मनवीर का कन्फेशन चाहिए ताकि वो इस केस को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट ना कर सके। वो सब तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या करना होगा? हाँ, तुम लोगों को ये करना है कि किसी भी तरीके से मनवीर और उसके बाप धर्मवीर को मेरे पास धर लाओ। आगे तो मैं उनसे सब कुछ उगलवा लूंगी। एक मिनट, जब मनवीर के खिलाफ तुम्हारे पास सारे प्रूफ है तो फिर अंकल को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है अवनी, मनवीर को सपोर्ट करने वाला मास्टरमाइंड धर्मवीर ठाकुर ही है। इतना बड़ा रैकेट बिना पॉलिटिशियन के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। और मनवीर को हमारे पास लाने में हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ अवनी करेगी। इम्पॉसिबल, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कम ऑन यार अवनी, ये जो वक्त है ना वो अपने बारे में सोचने का नहीं है, ये वक्त देश के बारे में सोचने का है, क्योंकि देश का भविष्य दांव पे लगा है यार। हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस किया है ना कि आज तक इस देश ने हमको क्या दिया है, हमें इससे क्या मिला है, लेकिन कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोगों ने देश के लिए क्या किया है? हाँ गाइस, हम लोगों को मौका मिल रहा है ये, और कितने लोगों को मौका मिलता है ये, वी आर द लकीस्ट, तो इस मौके का फायदा उठाते ना यार, कुछ करते हैं देश के लिए, राइट? और वैसे भी हम लोगों ने कॉलेज में प्लेज लिया था कि किसी ना किसी दिन कोई ना कोई बड़ा काम जरूर करेंगे जिससे सबके रोल मॉडल बन सके। बिल्कुल सही गौरव, और धर्मवीर को भी तू ही लेके आएगा। नहीं, धर्मवीर ठाकुर को मैं ही ला सकता हूँ। अब तक हमारे बीच में दोस्ती के साइड इफेक्ट्स थे, मगर इस मिशन को पूरा करने में अब दोस्ती ही काम आएगी।
मैं मानता हूं, मैंने अपने अपने नाम के लिए, अपने अपने पॉलिटिकल करियर के लिए अपने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, उस चीज का पछतावा आज भी है। लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूं कि आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूं। ना 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 ना, अपने बेटे से मिलने के लिए इतने इंपेशेंट थे। इस मेडिकल स्कैम के पीछे तुम हो? एब्सोल्युटली कमाल है। आई एम सरप्राइज दैट व्हाई आर यू सरप्राइज डैड। आप कब से इतने एथिकल हो गए डैड? अपने करियर के लिए, अपने फायदे के लिए आपने मेरी मां को फंसाया, उनसे शादी की, उनका इस्तेमाल किया, और आप मुझे कह रहे कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है? After all, मैं बेटा तो आपका ही हूं ना डैड। What else can you expect from me? डैड, डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। डैड, इस मुसीबत के वक्त एक बाप ही अपने बेटे को बचा सकता है। डैड प्लीज बचा लीजिए। डैड प्लीज प्लीज। डैड क्या? रणवीर छोड़। पुलिस ऑफिसर सृष्टि, झटका लगा लगा झटका। ऑफिसर, रिसर्च के वक्त ये नहीं पता चला तुझे? मैं कह रही हूँ छोड़ मुझे रणवीर। सृष्टि इसकी बातों में मत आ, ये तुझे प्रवोक कर रहा है। सृष्टि, रणवीर सही कह रहा है, पहले इस नालायक का कन्फेशन लो। कन्फेशन? कन्फेशन? डैड, डैड कन्फेशन मांग रहे, डैड कन्फेशन। कन्फेशन दे दो रणवीर, कन्फेशन दे। चुप, ज्यादा सीधे बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप जो भी हैं मेरी मां की वजह से हैं, वरना आपकी क्या औकात डैड। और एक बात बताऊं, आपने 40 साल में जितना पैसा नहीं कमाया, मैंने 4 साल में उससे कई गुना ज्यादा कमा लिया है। और डैड आप चिंता मत करो, आपका होनहार बेटा हूं डैड, मैंने आपका सारा इंतजाम कर दिया, हम यहां से सीधा अमेरिका जाएंगे, ऐश करेंगे डैड। आपके बुढ़ापे का सारा इंतजाम कर दिया है मैंने। कन्फेशन नहीं दोगे? नहीं दूंगा डैड, ये मेरी गलती है। इधर गवाही मैं दूंगा। अनवीर, शुरू मैंने किया था, इसे खत्म भी मैं करूंगा। सृष्टि, कन्फेशन रिकॉर्ड कर इसका जल्दी। शशि जल्दी रिकॉर्ड कर।
इसी के लिए तो ये पूरा ड्रामा रचा था। यही मेरी माँ की बेगुनाही का सबूत है। चल बेटा, बजा चालू। बता दो, बता दो, बता दो। जब मेरी बहन खुशी फाइनल ईयर में फेल हो गई, तो उसे मैंने ही डिग्री दिलाई, मैंने ही उससे पास करवाया। लेकिन जब इस सृष्टि की माँ ने मेरे काम में दखल अंदाजी दी, तो मैंने उसी के केस में उसे ऐसा फंसाया जैसे उसके बाप को फंसाया था। और नतीजा सबके सामने है। तेरी तो वर्दी भी चली गई सृष्टि चौधरी, अब तेरा कौन यकीन करेगा? कौन यकीन करेगा तेरा? यकीन कौन करेगा? सृष्टि, मोबाइल कैमरा ऑन कर। तो मनवीर के साथ? मैं मनवीर से अलग ही कब हुई थी? एंड थैंक गॉड ये ड्रामा खत्म हुआ। इस प्रेगनेंसी की स्टोरी भी मैंने ही लिखी थी। अचानक आई गॉट प्रेग्नेंट। क्या? थैंक्स टू अवनी, ऐसा मास्टर ब्लास्टर परफॉर्मेंस दिया कि तुम सब लोग हमारी कहानी में फंस गए, खासकर सृष्टि, क्योंकि सृष्टि की सिंपथी लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि वही इसे अपनी माँ के कॉलेज में एडमिशन दिला सकती थी। आंटी, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल है ना, तो उनके अंडर तो बहुत सारी चीजें होती होगी। अब मैं इतनी तो क्वालिफाइड हूँ कि एडमिन में मैं कोई भी जॉब कर सकती हूँ। और वो भी मेरा प्लान था, ताकि अवनी उस कॉलेज में जाके मेरे स्कैम में मेरी मदद कर सके। अवनी, जो काम मैंने तुम्हें कहा था वो किया? हाँ, और ये रही ब्रेकिंग न्यूज। गाजियाबाद के एनजीएम कॉलेज में चल रहा था फर्जी मार्कशीट का घिनौना खेल। इस स्कैंडल में शामिल प्रिंसिपल पुष्पा चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। मार्कशीट घूस स्कैंडल का सबसे बड़ा खुलासा, आईपीएस ऑफिसर सृष्टि चौधरी को किया गया सस्पेंड अपनी मां पुष्पा चौधरी को सपोर्ट करने के जुर्म में। ऑफिसर्स ने सृष्टि को पद से हटाते हुए उनके खिलाफ कड़ी जांच के आदेश दिए हैं। और अभी अभी हमारे संवाददाता द्वारा आ रही है ब्रेकिंग न्यूज, मेडिकल कॉलेज स्कैम का पर्दाफाश, जिसमें प्रिंसिपल पुष्पा चौधरी को स्कैंडल में पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ। भेजा उड़ा दूंगा। ए गौरव, भूल मत, मैंने तुझे इलेक्शन में जिताया था, और यह भी मत भूल कि मेरे बाप की पार्टी में मैंने तुझे एंट्री दिलाई। हेलो, ए कांग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रेसिडेंट। Thank you so much. बन गया ना प्रेसिडेंट तू आखिर। Thanks sir. चल, रखता हूँ। Okay, see you, bye. Yes. अब सिर्फ मनवीर ठाकुर का राज चलेगा।
मनवीर ठाकुर का। तुझे क्या लगा कि तू मेरा इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, लेकिन सच्चाई है कि मैं तेरा इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता था कि तू अवनी को यूज कर रहा है, जैसे तूने मेरी बहन को यूज किया था। देख, उसका भाई हूं मैं, छोड़ दिया था तूने उसे, सुसाइड कर लिया था उसने तेरी वजह से, समझा? उस वक्त तो मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया, तभी मजबूरी में तेरे से हाथ मिलाया मैंने, और तेरे ही कहने पे धर्मवीर सर की पार्टी ज्वाइन की। एंड यू नो व्हाट दोस्तों, इसको पता नहीं था कि इसके पीठ पीछे आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा था, और देख देख आज तेरे सामने आईपीएस ऑफिसर गौरव यादव खड़ा है। योर गेम इज ओवर मनवीर ठाकुर, एंड आई एम श्योर हम दोस्तों के पास ना काफी सबूत है जिससे तू सलाखों के पीछे जा सके और फांसी का फंदा तेरे इस गले में हो सके। Am I right, दोस्तों? Am I right? Dad, मैं फंस गया, Dad, please बचा लो। मेरी माँ कहती थी मेरी माँ के साले एक दिन फंसेगा तू। Thank God, माँ ये सब देखने के लिए आज जिंदा नहीं है। माँ, ये लोग मुझे कमीना समझते हैं, लेकिन जितना कमीना ये मुझे समझते हैं ना माँ, उसे कहीं ज्यादा कमीना मैं हूँ। उड़ाओ इसका बीजा, क्यों डैड? ये शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? दूर दूर हो जाओ, भेजा उड़ा दूंगा इनका, दूर। ए चिंदी चोरों, गन नीचे रखो, नहीं तो इनकी नीचे रखो, डाउन 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 नीचे। ए तू नीचे रख, गन नीचे रख, वरना इनका भेजा उड़ा दूंगा, नीचे रख। ए सृष्टि, अपनी को छोड़। याद है अपना वो बचपन जब दो उंगलियां जोड़ने से कट्टी से बट्टी हो जाती थी, और आज वो ही दो उंगलियां गोली का निशाना बनके एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। तुम लोग तो दोस्ती को पीछे छोड़कर अपनी ड्रीम्स के पीछे थे, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब मैंने अपनी ड्रीम्स के लिए सब कुछ किया तो व्हाट्स द बिग डील। छोड़, तेरे को समझ नहीं आएगा। ओके। आया मसा? आया? हाँ? मजा आया तुम दोनों को? पीछे। बहुत एहसान किया है आपने मुझ पे आज तक डैड, अब मेरी बारी, अब आप लीजिए अपने एहसानों का बदला। यही फर्क होता है सौतेले और असली बेटे में। बेटा, तुम उसे छोड़ना नहीं। मैं कह रही हूँ वो नहीं मार सकता उसे, गोली मार उसको। मार उसको गोली, गौरव। नीचे गोली मार उसको। अरे उसके पास अब नहीं है यार, नहीं मारेगा वो उसे गोली, उसे प्यार करता है वो। चल इनको हॉस्पिटल लेके जा डैड। मनवीर, We'll be right back.
मार दूंगा। ए! ए! पीछे चल, हट जाओ। जब दोस्ती प्यारी थी तो निभाई नहीं गए मुझसे, जब दोस्ती समझ में आई तो सब कुछ खत्म हो गया। तुझे पता है तेरी औकात भी नहीं है कि तू हमसे नजरें मिला सके, और बात करता है तू हमें बर्बाद करने की। हमें लगता था कि हमारी दोस्ती में साइड इफेक्ट्स आ गए, पर यू नो व्हाट, साइड इफेक्ट्स तू है हमारी दोस्ती का भी और इस स्कैम का भी, समझा? कागजों के नोट से क्या क्या खरीदोगे तुम, लोगों की ईमानदारी या फिर सच्ची दोस्ती? ए चूजो, बंद करो अपनी बकवास, गोली मार दूंगा सालो, हटो हटो पीछे। सृष्टि, आज हम सबको कुछ हो गया तो इस कैंप के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्यों गौरव? क्या करेगा तुम, क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे? तो सही कह रहा है रणवीर, इससे पहले ये भागे, इसका कन्फेशन है ना इस फोन में, एक काम करते हैं, इसका कन्फेशन सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। कन्फेशन डालेगा सोशल मीडिया पे? मुझे पता है तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, सोचना भी मत। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बताता हूं, जब मेरी बहनकुशी फाइनल ईयर में फेल हो गई तो उसे मैंने ही डिग्री दिलाई, मैंने ही उससे पास करवाया, लेकिन जब इस सृष्टि की मां ने मेरे काम में दखल अंदाजी दी तो मैंने उसी के केस में उसे ऐसा फंसाया जैसे इसके बाप को फंसाया था, और नतीजा सबके सामने है, अब तेरा कौन यकीन करेगा? हाँ छोड़ेंगे ना साथ तेरा, रहेंगे तेरे संग, चाहे फिर इस बात पे हो जाए अपनी जंग। यार हमारा है तू, यारों का सहारा है तू, ऐसे हार के ना हम जाएंगे, तुझे रब से भी छीन के लाएंगे। यारी के उसूल सारे तोड़ के जाएगा कैसे तू साले छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा है। यारी के उसूल सारे तोड़ के छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा है।
मान के चल हो गई कुछ गलतियाँ, पर ऐसे कोई जाता है क्या जैसे तू रूठ के चल दिया। बाकी है कितनी लड़ाइयाँ अभी तो अपने बीच में, माफ कर देना इस दफा, देना अगली बार दो खींच के। तेरी दोस्ती की खातिर तो हम तेरे हाथों मार भी खाएंगे। यारी के उसूल सारे तोड़ के जाएगा कैसे तू साले छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा है। यारी के उसूल सारे तोड़ के जाएगा कैसे तू साले छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा की। तेरी बातों पे हम बजा लेंगे तालियां, गुस्से में देगा कभी तो सुन लेंगे सौ गालियां। तेरी बचकानी हरकतें भी मुस्कुरा के सह जाएंगे, पर करेगा बात जाने की तो हक से तुझ पे चिल्लाएंगे। प्यार से तू माना नहीं तो जिद पे फिर हम भी आएंगे। यारी के उसूल सारे तोड़ के जाएगा कैसे तू साले छोड़ के, तेरे यार अभी जिंदा है। यारी के उसूल सारे तोड़ के जाएगा कैसे तू साले छोड़ के, तेरे यार अभी।